आप जो ग्रिल पर चढ़ रहे हैं, आपके पांव के नीचे हुजूर का नाम आ रहा, आपको समझ नहीं आ रही? अगर आप जो है डीजे लाने नहीं दिए तो हम मिलाद के जुलूस में नहीं आते। वो खाने पीने में उतना मजा नहीं है जितना मजा हुजूर के इश्क में भूखा रहने में है। हुजूर जैसा मनाए वैसा मनाना, हुजूर रोजा रख के मनाए। अब बाज लोग यहां ये कहते हैं कि भाई ईद भी कभी कोई रोजा रख के मनाता है? जवाब मेरे को देना है, आप लोग डरने की जरूरत नहीं है। बोलो ईद भी भला कोई, बोलो ना, नहीं बोलते आप लोग? रोजा रख के कोई ईद मनाता है? ईद के दिन तो खाना पीना मीठे, अरे बोलो ना, खा के आया बोले तो भी खाबा खाए वाला कितना खाता बोल को फिर खिलाते बोलते नहीं बोलते? कहाँ गए तो भी खाला करने गए, पुप्पो करने गए, ताया करने गए, चिच्चा करने गए, जेठानी करने गए, नंदन करने गए, सास करने गए, ससुर करने गए, कहाँ गए तो भी एक ही मुसीबत, खाबा खैस वाला कितना खाता ले बोलो फिर डालते फिर खिलाते। मेरी बात आप समझ रहे? तो ईद कहीं भी बोलो ना रोज़े के साथ नहीं मनाई जाती। लेकिन मैं आपको बता दूं कि असल जो आशिक है ना, असल जो आशिक होता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, उसका मज़ा तो उसमें है कि जो उन्हों करे वो करना। समझ में आ रही बात? ईद के माने हैं खुशी के। किसी को खुशी खाने पीने से मिलती है तो शौक से पूरा करो, किसी को खुशी मिलती है हुजूर का तरीक़ा इख्तियार करने में। आपकी खुशी खाने पीने में, खाओ पियो। हमारी खुशी यह है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में रोज़ा रखें। हमें खाने पीने से ज़्यादा मज़ा इसमें आता है कि हम हुजूर पुरनूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में, हम हुजूर के तरीक़े पर अमल करके भूखे रहें। और वो भूख में ये मिठों से, ये सालनों से, ये बघारे खानों से, ये तमाम चीज़ों से ज़्यादा मज़ा वो भूख में है जो हुजूर के इश्क में रखा गया। मज़ा लेने वाले को मज़ा मालूम होना तरीक़ा। मेरी बात नहीं समझे आप लोग? अरे भाई किसी को मज़ा आता है फिल्मों में, उन्हें रात भर बैठ के फिल्म देखता। किसी को मज़ा आता है कुरान सुनने में, उन्हें रात भर बैठ के कुरान सुनता। मज़े मज़े की बात है, मेरी बात समझ रहे हैं? किसी को फिल्मों में मज़ा आ रहा, किसी को गानों में मज़ा आ रहा, किसी को कुरान में मज़ा आ रहा, ये तो मुकद्दर की बात है ना। आपको मज़ा आ रहा है खाने पीने में तो आप समझ जाइए कि आप खाने पीने के आशिक हैं, रसूलुल्लाह के नहीं हैं। आपको अगर मज़ा आ रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आज मैं इसको भूखा रखूँगा, ये भी मज़ा है। आशिकी के एतबार से सोचो मज़ा है इसमें। आप आशिक रसूल बन करके अगर देखेंगे तो इसमें भी मज़ा है, और इतना मज़ा है कि खाने पीने में उतना मज़ा नहीं है। इतना मज़ा है कि बोलो ना, नहीं बोलते? कहाँ खाने पे डाका डाल रहे मुल साहब हमारे बोल के, कौन भी नहीं बोल रहा, बोलो जी। कितना मज़ा है खाने पीने में उतना मज़ा, सब बोलो, खाने पीने में उतना मज़ा नहीं है जितना मज़ा हुजूर के इश्क में भूखा रहने में है। हुजूर के इश्क में भूखा रहने में, कभी भूखे रह के भी ईद मनाओ? खाली खा के पी के चीज़ मना देगा? हुजूर भूखे रहे और हम लोग खा के बोल रहे हैं कि हुजूर की खुशी में हम खुश हैं, और हुजूर नहीं खा के बोल रहे हैं कि मैं खुश हूँ, हम खा के बोल रहे हैं कि खुश है। आशिकी करना है तो पूरी करो ना बाबा, आशिकी करना है तो पूरी करो। ये अधूरी अधूरी आशिकी कही को भाई, आप ईद की तो बोल रहे हैं लेकिन उसमें की खुशी जो है अपनी तरफ से ऐड कर ले रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को बाजू कर दे रहे हैं। इस वजह से लोगों ने इसके ऊपर नकीर करना शुरू कर दिया। जो दीगर सलफ़ी भाई या दीगर हजरात जो है इसको सिरे से निकार देते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसकी वजूहात में से एक वजह यह है कि हम लोगों ने इसके अंदर ऐसे ऐसे रसूम और रिवाज और बिदआत को राइज कर दिया जो ऐन कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। नमाज चल रही है, आप डीजे पे नाच रहे हैं। नमाज चल रही है, आप अरश लगा के फिर रहे हैं। नमाज चल रही है, आप नाच गाना कर रहे हैं। नमाजें गई, जहर गई, असर गई, मगरिब गई, ईशा गई, सब गया, और हज़रत वाला दामत बरकात हम जो हुजूर के इश्क में नाच रहे हैं। ये आशिकी जो है ये अपन अपने हाथों से बना ली सोए, ये तरीक़ा आशिकी का सही नहीं है। तिरमिज़ी शरीफ की जो रिवायत है, हुजूर पुरनूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विलादत के दिन को बतौर खुशी के रोज़े के तौर पर निभाया। तो मोमिन की खुशी उसी में होनी चाहिए जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हैं,
और मोमिन की नापसंदीदगी उसमें होनी चाहिए जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ है। मेरी बात आप हजरात की समझ आ रही है? बड़ी दिक्कतों के बाद एक वक्त ऐसा आया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी उलमा ने भी हिम्मत करके कह दिया कि भाई हमको जो है ना डीजे वीजे वाले जितने भी जो है ग्रुप आ रहे हैं हम उनको अपने जो है यहाँ पर दाखिल भी होने नहीं देंगे। अल्लाह ताला तौफीक दे दी ये साल उन लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी उलमा की तरफ से मुत्तफ़ा तौर पर यह फ़ैसला आ गया कि डीजे के साथ हम लोग बोलो ना यारो हम दाखिल होने नहीं देंगे, नाचते कूदते हुए किसी को आने नहीं देंगे। ये संजीदा किस्म का मामला है, इसको संजीदगी से निभाया जाए। ये बात उन लोगों ने साफ साफ ऐलानिया कह दी। तो आपको मैं बताऊं कि आवाम की तरफ से जो मैसेज आया ना वो बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही शर्मनाक मामला। क्या कहा मालूम है आवाम ने आपको कि अगर आप जो है डीजे लाने नहीं दिए तो हम मीलाद के जुलूस में नहीं आते। वो मालूम ये हुआ कि इनको हुजूर से मोहब्बत नहीं थी, डीजे से मोहब्बत थी, नाच गाने से मोहब्बत थी, खेल और तमाशों से मोहब्बत थी। हुजूर के नाम पर कुछ इनकम करना चाहते थे, वो नहीं हो सका तो जुलूस का जो है इरादा ही मुलतवी कर दिया। मैं बोल रहा हूँ समझेंगे आप लोग, न्यूज़ में है ये, यूट्यूब में अगर आप खोलेंगे तो न्यूज़ के अंदर ये बात बताई जा रही है। तौकीर रज़ा साहब की तरफ से बयानिया आया, बरेलवियों के बड़े इस वक्त के जो हैं उनकी तरफ से बयान आया कि डीजे के साथ हम किसी को दाखिल होने नहीं देंगे। आपको पता चलना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐलान से उलमा में तो खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन जो लोग इसको सिर्फ कमाई का और अपनी तन आसानी का, अपनी आयश व इशरत का, या अपने आप को जो है बस बोलने की हद तक आशिक रसूल कहलवाने का बड़ा 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 मुँह खोला करते थे, उनके अल्फाज से ये साबित हो गया कि उनको हुजूर से कोई ताल्लुक़ बोलो ना नहीं है। न्यूज़ में है ये बात, अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप लोग जो है न्यूज़ खोल करके पढ़ लीजिए, देख लीजिए अपनी आँखों से, समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि मैं क्या कह रहा हूँ। बाकायदा न्यूज़ में आया है, साफ अल्फाज में वो साहब कह रहे हैं अवामुन्नास की तरफ से तायीद करते हुए कि भाई डीजे नहीं तो हम जुलूस नहीं लाएंगे। तो तुमको हुजूर से ताल्लुक़ है कि डीजे से ताल्लुक़ है बोलो ना यारो। हुजूर से ताल्लुक़ होता तो तुम वो जान दो भाई, क्या हमारे को हुजूर के जुलूस में जाना है बोल के जाते थे। अजीज़ो इसको पर्टिकुलर एक रंग देने की जो कोशिश की गई है, जिस अंदाज से इसको जो है लोगों ने मनाने की कोशिश की है, ये इंतहाई जाहिलाना लोगों का काम है जो लोग कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा अब शोर में आ गए और उन लोगों ने इसको मना कर दिया। खैर बहरहाल, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मुसलमानों का जो असल दीन है वो हुजूर नूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर, खुशी भी हमारी हुजूर के तरीक़े पर बोलो ना, खुशी भी हमारी हुजूर के तरीक़े पर और गम भी हमारा हुजूर के तरीक़े पर। गम है तब भी हुजूर के तरीक़े पर होना चाहिए, खुशी है हमें हुजूर के तरीक़े पर होना चाहिए। असल आशिकी ये है, हम लोगों ने मजाक समझ लिया है हुजूर को नूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात आली को बड़ा मजाक हमने बनाया है, बड़ा मजाक। ऐसे ऐसे अजीब हरकतें हम लोगों ने की हैं जिसकी कोई हद इंतहा नहीं। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह, अगर मुझे लोगों को मैसेज देना मकसूद ना होता तो मैं अपनी ज़बान से अपनी ज़िंदगी में ये अल्फाज कभी ना लाता। मजबूर होकर के मैं बता रहा हूँ ताकि लोगों के अंदर जो गलतियाँ पैदा हो रही हैं ये मिट जाएँ, समझें कि सही तरीक़ा है क्या। आखिर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी बैनर पर लिखा हुआ है। किस पर लिखा हुआ है बोलो? फ्लेक्स बनाया गया, बैनर लिखा हुआ है और वो बैनर जो है आटो को लगा दिया गया। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं? कहाँ पर लगाए? आटो को, टाटा ए सी वगैरह रहती ना उसके अंदर डीजे वीजे रख लेके बच्चे बच्चे सब चढ़े हुए हैं उसके अंदर नौजवान, और जिस ग्रिल पर वो लगाया गया है नामे नामे इसमें गिरामी, सब बोलो अस्तगफिरुल्लाह अलअज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्लहु अल्हय्युल क़य्यूम वअतूब इलैह। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए ऐसे अमाल से। क्यों इतनी मोटी बात हमारे नौजवानों को समझ नहीं आ रही कि हुजूर पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात आली का नाम जो अर्श मौला पर लिखा हुआ है वो नाम जो है ना आप बैनर पर लिख करके आप जो ग्रिल पर चढ़ रहे हैं आपके पाँव के नीचे हुजूर का नाम आ रहा, आपको समझ नहीं आ रही? इसको आशिकी कहते हैं आप जिसमें हुजूर के नाम की तौहीन हो?
یہ توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. عاشقی اس کو نہیں کہتے.